तो आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो जिसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस काम को जो शुरू कर दीजिए। और शुरू करते वक्त ये माइंडसेट मत रखिए कि मुझे इसे परफेक्ट करना है, बस ये माइंडसेट रखिए कि मुझे इसमें प्रोग्रेस करना है। वेल, आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसे डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ज़िंदगी में परफेक्शनिज्म इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें परफेक्शनिस्ट बनना चाहिए। तो इस टॉपिक को उसकी गहराई में समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम डिफ़ाइन करें कि परफेक्ट किसको बोलते हैं। तो परफेक्ट का डेफिनेशन है कि वो जिसमें अभी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, जो भी अभी है वो उसके बेस्ट फॉर्म में है, बेस्ट स्टेट में है, तो उससे अच्छा क्या होगा, इसलिए हम उसे परफेक्ट कहते हैं, राइट? एनी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई विल स्टार्ट अ वर्क बट आई विल नॉट फिनिश इट अंटिल इट इज़ परफेक्ट, जिसका मतलब है कि मैं वो तब तक काम कंप्लीट नहीं करूँगा जब तक उसमें एक ऐसा स्टेट ना आ जाए जहाँ पर उससे अच्छा कुछ किया ही नहीं जा सकता। अब थियोरेटिकली अगर समझने जाएँ तो परफेक्शनिज्म इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज हम कुछ ऐसा क्रिएट करने जाने वाले हैं, ऐसा कुछ सर्जन करेंगे जो परफेक्ट है। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, करने में तो और भी अच्छा लगेगा, राइट? बट मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, इज़ देर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी कैन से इज़ परफेक्ट? क्या ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ पे उसको और अच्छा नहीं किया जा सकता? यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल थिंग विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, विच कैन नॉट बी मेड मोर बेटर। बिकॉज क्या है ना, भगवान ने संसार को इस तरह से बनाया है कि इसमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते जाता है, कुछ ना कुछ इटरेशन होते जाता है, कुछ ना कुछ अपग्रेड होते जाते हैं। अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने एप्पल का एक आईफोन लिया, तो क्या ये फ़ोन परफेक्ट है? क्या एवरी ईयर उसका अपग्रेड नहीं निकलता? क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं होते? अगर वो फ़ोन परफेक्ट होता तो कंपनी को हर साल नए मॉडल निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज़ परफेक्ट। नहीं, लेकिन कंपनी क्या करती है, एवरी ईयर इस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स लाती है, इस प्रोडक्ट में अपग्रेड्स लाती है। ठीक उसी तरह जैसे हार्डवेयर में एवरी ईयर कंपनी नया प्रोडक्ट निकालती है, वैसे सॉफ्टवेयर में भी कंपनी हर 3 महीने में अपग्रेड्स निकालती है। अपग्रेड्स मीन्स सॉफ्टवेयर में जो भी खामियां थी, कमियां थी, जिसके कारण एरर्स आते थे, क्रैशेस होते थे, उसको कंपनी इम्प्रूव करती है और एवरी 3 मंथ्स आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड देती है। तो ज़िंदगी में उसी तरह हमें परफेक्शनिस्ट बनने की इच्छा होती है, वो अच्छी बात है, मगर परफेक्शनिज्म को अगर आपने पकड़ लिया तो आप स्टक हो जाओगे, आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार जब तक ये परफेक्ट नहीं होता है मैं कैसे इसको वर्क को पब्लिश करूँ, क्या उससे भी अच्छा कोई तरीका है, इज़ देयर अ बेटर वे थ्रू विच वी कैन ऑपरेट? यस, अ बेटर वे मीन्स एक बेटर माइंडसेट। आप जब काम करते हो तो आपका माइंडसेट कैसा है, इस पे निर्भर करता है कि आपका काम कैसे होगा। जनरली जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है हम इसे परफेक्ट वे में करें, यू नो, 360 डिग्री से परफेक्ट करें, मगर उससे अच्छा है कि आप परफेक्शनिज्म के बदले में एक और चीज़ पे ध्यान दें जो उससे भी ज़्यादा मैटर करती है, और वो है प्रोग्रेस। दैट इज़ द राइट वर्ड, दैट इज़ द क्रीम वर्ड, प्रोग्रेस और परफेक्शन दो अलग चीज़ें हैं। तो ये जो प्रोग्रेस है, स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मायने रखता है, ये मैटर करता है, ना कि परफेक्शनिस्ट, बट प्रोग्रेस। तो उसको अगर मैं सम अप करूँ तो आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो जिसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस काम को जो शुरू कर दीजिए। और शुरू करते वक्त ये माइंडसेट मत रखिए कि मुझे इसे परफेक्ट करना है, बस ये माइंडसेट रखिए कि मुझे इसमें प्रोग्रेस करना है, मुझे जो भी है इसमें सीखने लायक मुझे सीखना है। और आप करते जाए, करते जाए, करते जाए, और करते 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 आपका प्रोग्रेस शुरू होगा, और यही है इम्पोर्टेंट।
Progress is what matters, not perfectionism.